तो भाई डीयू जैट हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट होता था एक लास्ट ईयर, जिसके थ्रू बीएमएस, बीएफआई और बीबी इन तीनों कोर्सेज में एडमिशन मिलता था इंडिया को कुछ बेस्ट कॉलेजेस में, इंक्लूडिंग शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। अब मेन क्वेश्चन यहाँ पे उठ के ये आता है कि इस साल सीयू सेट अगर हुआ तो क्या डीयू जैट स्क्रैप होगा और क्या नॉन मैथ्स वाले बच्चे एलिजिबल होंगे इस एंट्रेंस के लिए या नहीं होंगे। तो भैया क्या आपके लिए कॉम्पिटिशन मैथ्स वालों के लिए बढ़ने वाला नहीं बढ़ने वाला, और क्या आपके लिए अपॉर्चुनिटी आने वाली नहीं आने वाली, सारी चीजें वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं आप लोगों का क्वेश्चन आंसर करूं, मैं आप लोगों को एक छोटी सी ज्ञान की बात देना चाहता हूं जो कि बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस है। भाई एक बात बताओ, डीयू जैट हो या सीयू सेट हो, फर्क क्या पड़ना है? हम इस चीज की टेंशन को ले रहे हैं, हम इस चीज की एंजाइटी को ले रहे हैं। वो भी एप्टीट्यूड बेस्ड एंट्रेंस है सीयू सेट, डीयू जैट भी एप्टीट्यूड बेस्ड एंट्रेंस है। मुझे पता है सिलेबस में थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, पर बात समझो, वर्बल दोनों एंट्रेंसेस में आनी है, एलआरडीआई दोनों एंट्रेंसेस में आनी है, जीके और बिजनेस अवेयरनेस मोस्ट प्रोबेबली दोनों एंट्रेंसेस में आनी है, और उसके अलावा आपकी क्वांट्स भी दोनों एंट्रेंस में आनी है। डीयू जैट में हायर मैथ्स आती थी मेजोरिटी, और सीयू सेट में क्वांट्स का सिलेबस प्रपोज्ड है। जो डीयू जैट के भी केस में क्वांट्स तो आपको पढ़नी ही थी, एनीवेज आपको पढ़नी ही थी, ठीक है, क्योंकि उसमें भी आपके क्वेश्चन आते ही थे क्वांट्स के। तो आपको ये समझना है कि भैया जो चीजें हैं, जो थोड़ा बहुत चेंज होगा डीयू जैट और सीयू सेट में, वो 20-30% का चेंज होगा, और जब तक वो चेंज आएगा, जब तक वो चेंज की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, तब तक आप 60-70% पे फोकस करो और बात खत्म करो, टेंशन खत्म करो। क्यों हम खामखा इधर उधर वीडियोस देख रहे हैं, न्यूज पढ़ रहे हैं, इधर उधर जाके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जब सिंपल मुद्दा ये है कि पढ़ाई करो और बाकी जो होगा देखा जाएगा। डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस कुछ टाइम बाद आएगा, तब तक जो सिलेबस हमें पता है वर्बल, क्वांट्स, एलआरडीआई, जीके, वो तो करो ना। अब ठीक है, अब आप लोगों के कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहे होंगे, चलो भैया ज्ञान बहुत दे दिया, अब क्वेश्चन का आंसर दे दो सीधा सीधा। भैया देखो सिंपल सी बात समझना, डीयू जैट अगर मतलब सीयू सेट आया तो मोस्ट प्रोबेबली, मैं 100% गारंटी के साथ नहीं कह रहा, मोस्ट प्रोबेबली डीयू जैट हट जाएगा, क्योंकि सीयू सेट का कॉन्सेप्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या था, वो कॉन्सेप्ट ही यही था कि भैया सारी यूनिवर्सिटीज करो अपने एडमिशन क्राइटेरिया, एंट्रेंस सब पे लगाओ शटर, और शटर लगाने के बाद भाई जी अब फटाफट बैठो, हमारा एक एंट्रेंस होगा सीयू सेट, हम कराएंगे एनटीए, और अब तुम उसके बेसिस पे रैंक्स पे सबको देना एडमिशन। दैट वाज द होल पॉइंट इन द वेरी बिगनिंग। अब आप लोगों को एक चीज और इंफॉर्मेशन दे देता हूं, आप अगर सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हो डीयू जैट या सीयू सेट कोई भी हो, हमारा क्रैश कोर्स अभी अवेलेबल है, आप लोगों के बोर्ड्स हो रहे हैं अप्रैल एंड में, 2 महीने आपके पास अभी हाथ में है, आप बोर्ड्स के साथ साथ एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर सकते हो, और बोर्ड्स के बाद शायद आपको ज्यादा टाइम मिलेगा मिनी एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आपको बहुत टाइम मिल रहा है। तो भाई लास्ट ईयर हमारा डीयू जैट में एआईआर थर्ड रैंक होल्डर हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट है तरुण, उनके अलावा 30 स्टूडेंट्स मेड इट टू शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, जो कि इंडिया का बेस्ट मैनेजमेंट कॉलेज है। तो हमारे लास्ट ईयर के ये वाले रिजल्ट रह रहे हैं, तो आप अगर ज्वाइन करना चाहो, डेमो कोर्स लेना चाहो, फटाफट ये स्क्रीन पे आते हुए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप डाल दो। हमारे इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, मैराथन स्ट्रीम्स मिलेंगी, बुक्स आपके घर पे डिलीवर होंगी, हैंड रिटन बुक्स जिसमें इजी, मीडियम, डिफिकल्ट लेवल पे क्वेश्चन बाइफर्केटेड है, और क्वांट्स और एलआरडीआई के बुक्स के वीडियो सॉल्यूशंस भी हैं, डाउट सपोर्ट मिलेगा, टॉपर्स का सपोर्ट मिलेगा, मेंटरशिप मिलेगी टॉपर्स से, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। व्हाट्सएप कर दो फटाफट एनरोल करने के लिए, क्योंकि आपकी सिर्फ 150 सीट्स हैं और एनरोलमेंट फिर उसके बाद हम खत्म करने वाले हैं। अब क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नॉन मैथ्स वाले के एलिजिबल हो जाएंगे आपके डीयू जैट के लिए? देखो इसका सिंपल सा आंसर ये है, अभी हमें पता नहीं है, ठीक है, अगेन हमें नोटिफिकेशन का वेट करना पड़ेगा, पर अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जिसके तहत सीयू सेट आ रहा है उसको माइंड में रखें, तो उसमें पॉलिसी का मेन फोकस ये था कि स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिले। फ्लेक्सिबिलिटी मिले मतलब क्या, कि आप लोगों को अगर कोई आर्ट्स वाला हो तो वो साइंस में भी जा सके, कॉमर्स वाला आर्ट्स और साइंस में जा सके, साइंस वाला आर्ट्स कॉमर्स में आ सके, तो इस लेवल की फ्लेक्सिबिलिटी देनी है गवर्नमेंट को। तो ये जो नॉन मैथ्स वाली बाउंड्री थी उस फ्लेक्सिबिलिटी के अगेंस्ट है, तो आपका होने के चांसेस, मतलब ये श्योर नहीं है, कहीं से कहीं तो बहुत ज्यादा भी प्रोबेबिलिटी नहीं है, बट होने के चांसेस यही है कि नॉन मैथ्स वाले एलिजिबल हो जाए। बट क्वेश्चन ये होता है कि नॉन मैथ्स वालों को अभी से डीयू जैट की प्रिपरेशन करनी चाहिए? मेरे ओपिनियन में आपको डीयू जैट की प्रिपरेशन या सीयू सेट की प्रिपरेशन बीएमएस, बीएफआई या बीबीई के पर्सपेक्टिव से, सुखदेव के पर्सपेक्टिव से अभी नहीं चालू करनी चाहिए, बट नॉन मैथ्स वालों को एंट्रेंस की प्रिपरेशन इन जनरल तो स्टार्ट कर ही देनी चाहिए, क्योंकि आईपी मैट है हमारे पास, क्राइस्ट है, नासी मुंजी है, सेंट जेवियर्स मुंबई है, और भी बहुत बेहतरीन ऑप्शन है हमारे पास जिनमें नॉन मैथ्स वाले एलिजिबल है और उनका एंट्रेंस बेसिस पे एडमिशन होने वाला है, और सीयू सेट के थ्रू ऑफकोर्स बीकॉम वाले ऑप्शन भी आपके पास रहेंगे ही रहेंगे एज अ नॉन मैथ्स स्टूडेंट।
तो ये आप लोगों के लिए मेरी तरफ से फाइनल टिप्स थे, अपडेट थी, और कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं बता ही दूंगा। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, बाय।